वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में अपने पास एक सब्सट्रेट लिया गया है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। इसमें सोडियम और ड्राई इथर लिया है। सोडियम इज 2 इक्विवेलेंट, मतलब ऐसा लिया गया है कि फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल देयर विल बी 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के लिए 2 मॉलिक्यूल सोडियम आपको मिलेगा। प्रोडक्ट बोला है इनमें से कौन बनेगा। सो देखो, हम लोग को पता होता है ये ऊर्ज रिएक्शन होता है ना, ये क्या है बेसिकली, ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, फ्री रेडिकल। तो देखो, हम लोग का ये रहा सब्सट्रेट, सब्सट्रेट में फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। क्यों? फॉर एवरी मॉलिक्यूल 2 सोडियम है ना, पहला सोडियम यहाँ रिएक्ट करके एक पहला फ्री रेडिकल और फिर यहाँ फ्री रेडिकल। तो आप देखो, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल है। देखिए, तो ये दोनों मिलकर कोई अपना प्रोडक्ट बना सकता है? तो देखो, प्रोडक्ट ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत क्लियर है, ब्रोमीन और क्लोरीन यहाँ तो बचा ही नहीं, ये तो अपना इंटरमीडिएट है। तो क्या बनेगा अपना फाइनल प्रोडक्ट? तो देखो, इस फ्री रेडिकल को इस फ्री रेडिकल से ज्वाइन कर दीजिए तो हम लोग को एक बॉन्ड बन सकता है, तो अपना प्रोडक्ट ये आएगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट। रिंग में स्ट्रेन होगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो सकता है, बट ऑप्शन दिया है ना, तो टिक तो करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।